हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे अपना कॉलेज दिखाओ, कॉलेज टूर करवाओ, तो बहुत दिनों के बाद मैंने आज वीडियो बना लिया है। तो फाइनली आज कॉलेज टूर वाला वीडियो आ गया है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ए टू जेड में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गेट से स्टार्ट करते हैं और सारा कवर करते हैं, ठीक है? वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चलिए। हाँ जी, अभी हम आए हैं बाहर। यह है कॉलेज का गेट, इतना बड़ा सा, ये देखो। और यह हाईवे कुछ यहाँ से गुजरता हुआ, ये था कुछ हाईवे का सीन। और यह है कॉलेज का बड़ा सा गेट, तो करते हैं एंट्री, चलते हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है? चलो, यहाँ से होती है कॉलेज की एंट्री। मतलब जो बाहर अंदर जाता है स्टाफ वगैरह, स्टूडेंट वगैरह, वो यहाँ से एंट्री करता है, तभी वो बाहर या अंदर जा सकता है। विदाउट एंट्री वो कहीं नहीं जा सकता, ठीक है? और थोड़ा सा आगे चल के आपको यहाँ पर आपको स्टाफ पार्किंग देखने को मिलेगी, जहाँ पर अपनी मतलब टीचर्स वगैरह अपनी गाड़ी और बाइक्स पार्क करते हैं, ठीक है? और इसके लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स के लिए पार्किंग के लिए रखी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी गाड़ियाँ और बाइक्स रखते हैं, ठीक है? और सामने से आपको कॉलेज का व्यू दिख रहा है, थोड़ा सा सामने चलो। और ये आपको प्यारा प्यारा व्यू देखने को मिलेगा कॉलेज का, तो थोड़ा सा ड्रोन शॉट एंजॉय करो पहले। तो हाँ जी, देख ले आपने कॉलेज का, थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ कैसा है सामने। तो ये है छोटी सी पार्क कॉलेज की, मतलब क्या कह सकती है, एक मेंटेनेंस है कॉलेज की, ठीक है? जो पूरा लुक देता है कॉलेज का, आप देखें कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है ना? तो ये है कॉलेज का व्यू। अब आता है इसका रास्ता लेफ्ट साइड से एक और राइट साइड से एक। पहले हम जाएंगे राइट साइड से, यहाँ से हम पूरा हॉस्टल वगैरह कंटेन वगैरह कवर कर रहे हैं, ठीक है? और उसके सामने ये वाला, ये जो सीन है यहाँ सीढ़ी एक, वो दिखाता हूँ। यहाँ से आपको एक बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिलेगा, थोड़ा सामने आ जाओ। यहाँ से आपको एक बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कॉलेज के इवेंट्स होते हैं। और वो है उसके सामने स्टेज वगैरह, जहाँ पर समझ रहे होंगे ना, यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, ठीक है? मतलब कंसर्ट वगैरह होता है, कभी कभी सिंगर भी आ जाते हैं इधर, इधर ही वो सारा हो जाता है, ठीक है? यहाँ बड़ा सा ग्राउंड, तो उसके सामने होटल, वो वहाँ से कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर स्टेज है, जहाँ से कंसर्ट वगैरह और बड़े बड़े पार्टीज अटेंड होते हैं, ठीक है? चलते हैं बाकी। और ये रखी है रिजर्व एम्बुलेंस बच्चों के लिए, कभी कुछ मतलब एक्सीडेंट हो जाता है कॉलेज में, या इंसिडेंट कुछ पेश आ जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस रखी गई है, एमरजेंसी एम्बुलेंस है। तो थोड़ा सा आगे चल के जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, जहाँ पर मैंने पहला शॉट लिया था, तो ये इतनी मस्त लग रही है पेंटिंग, आपको बता ही नहीं सकते। 3D पेंटिंग की है किसी ने। और उसके सामने आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होता है कॉलेज का, जो भी इलेक्ट्रिक बिजली का झंझट है वो यहीं से होता है। अलबत्ता मुझे नहीं पता है कॉलेज का अपना या नहीं है, अलबत्ता ये इतना पता है जो मतलब इलेक्ट्रिक पावर का जो सप्लाई वगैरह वो यहीं से आती है सारी, ठीक है? अंदर तो नहीं जाएंगे इसकी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है बिजली से, तो ऐसा। और ये जो आप यहाँ से बिखरा हुआ सामान देख रहे हैं थोड़ा सा, ये कुछ हॉस्टल का जो सामान टूट जाता है बाथरूम वगैरह का, तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये है कुछ वर्कशॉप देख रहे हो, ये है बीटेक वालों का, तो इसमें बीटेक वाले कुछ बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हाँ। और कभी कुछ कॉलेज को जरूरत पड़ती है, जो खुद बनाते हैं वो इसी में होता है, वर्कशॉप नहीं होता है। और ये एक प्यारा सा रास्ता जो आपको हॉस्टल की तरफ ले जाता है, और फार्मेसी आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ से एक रास्ता आपको हॉस्टल की तरफ देखने को मिलेगा। और ये रास्ता आप जो आप देख रहे हो वहाँ पर, जो आप गेट देख रहे हो वहीं से एंट्री होती है बड़ी गाड़ियों से, तो यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह रहती है। और यह छोटी सी कुछ पार्क, और इसके पीछे है फार्मेसी भी, मैं यहाँ से आप। जो रास्ता है जो हॉस्टल की तरफ एक जाता है, और यह फार्मेसी बिल्डिंग थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा है,
यह फार्मेसी बिल्डिंग जहाँ पर हमारी स्टडी होती है, और जो मैंने ये ग्राउंड बताया था आपको भी जहाँ पर इवेंट्स वगैरह होते हैं, उसके सामने बीटेक वाली बिल्डिंग, उसका रास्ता वहाँ से जाता है जहाँ पर बीटेक वाले पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीटेक भी होता है, बी फार्मेसी भी होता है, बीटेक सीएस वगैरह जो भी है, ये बीटेक वाले का बिल्डिंग है और यह फार्मेसी वाले। ठीक है, और जो फार्मेसी वाले की बिल्डिंग है उसका मेन रास्ता ये है, यहाँ से जाना पड़ता है हमें कॉलेज। ठीक है ना, ये वाला रास्ता, और थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखेगा हॉस्टल, प्यारा सा हॉस्टल दिखेगा, ये देखो ये हॉस्टल। ठीक है ना, प्यारा प्यारा सा दिख रहा है, रेड कलर और वाइट का, ये है हॉस्टल कॉलेज का। तो उसकी जो एंट्री है वो यहाँ से होती है। ये है प्यारा सा हॉस्टल जिसकी एंट्री यहाँ से होती है। ठीक है ना, इतना बड़ा 4 फ्लोर का है हॉस्टल। उसके सामने दुल्लस वाला हॉस्टल जो कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, सामने जाके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कुछ एक दो चीज़ें आज। यहाँ से आपको कैंटीन जाने का रास्ता मिलेगा, और स्टेशन जहाँ से आप पेन वगैरह बुक्स वगैरह ले सकते हो। यह पहले स्टेशन दिखाता हूँ। ये स्टेशन आप जहाँ से आप पेन वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो, जो कि भी बंद पड़ा है, वो सामने पड़ा है कैंटीन, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, खा सकते हो कुछ भी। ठीक है, फ्री नहीं मिलेगा, होता है पैसा देना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे चल के आपको मिलेगा मैस वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर, जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिलेगा, और उसके सेकंड फ्लोर पर आपको ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा जहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह होता है। ठीक है ना, और उसके सामने आपको दो हॉस्टल देखने को मिलेगा, तो वहाँ से थोड़ा सा आगे चल के और कुछ आगे। कैमरामैन के हाथ थक चुके हैं यहाँ पर, ये ऐसे दिखा रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पर थोड़ा सा सहना पड़ेगा ये आपको। इस वीडियो में 30-40% जाता है क्रेडिट वीडियोग्राफर को, जो कि कैमरामैन पकड़ा है अभी। तो हॉस्टल के सामने आपको एक रास्ता देखने को मिलेगा, और रास्ते में जाते जाते आपको ये हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। आ जाओ, और जो ग्राउंड है, जो वॉलीबॉल ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड है, ये आपको देखने को मिलेगा। अभी तो आप इसमें खेल नहीं सकते क्योंकि मानसून चल रहा है, तो जल्दी जल्दी घास आ जाता है, तो आप कटिंग वाइटिंग तो सब कुछ खेल सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए तो बंद ही है, मतलब खेल नहीं सकते, बंद नहीं है, खेल नहीं सकते। और यह कुछ प्यारा सा रास्ता सामने जाते हुए, तो थोड़ा सा आगे चलो दिखाता हूँ। और ये है बीटेक की बड़ी बड़ी दो बिल्डिंग है, जो कि मैंने आपको सामने से दिखाई थी। तो हाँ, और ये जो बड़ा बड़ा पेड़ देख रहे हो, इसमें आपको फल देखने को मिलेगा, और पता नहीं वो कौन सा फल है, वो आप खा सकते हो, फ्री में खा सकते हो। और अमरूद भी निकलते हैं कॉलेज में, वो भी आप फ्री में खा सकते हो। पर दिक्कत क्या है, वो जो छोटे छोटे अमरूद होते हैं कॉलेज में, वो बच्चे हैं वो उसको तोड़ के खा जाते हैं, जब वो छोटे ही होते हैं, बड़े में होने ही नहीं देते। अब ये रास्ता तो मस्त लग रहा है आपको, इससे बाजू वाला जो रास्ता है उससे प्यार है। ये जो रास्ता है ये वाला कॉलेज में सबसे फेवरेट है मेरा, यहाँ से वहाँ चल के जा सकते हो। चलो चलो, जो राइट साइड में आपको ये रास्ता देखने को मिलेगा, इसी के लेफ्ट साइड में आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा, इसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो। और ये प्यारे प्यारे फूल भी देखने को मिलेंगे। यह कॉलेज का रास्ता जो कि यहाँ पर मतलब अभी साफ नहीं है, फिलहाल के लिए तो बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा घास आ गया, आप देख सकते हैं कितना लंबा घास हुआ है, इसीलिए इस पर खेला नहीं जा रहा है। तो फिलहाल के लिए कटिंग वाइटिंग हो रही है घास की, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा क्रिकेट वगैरह। फिलहाल के लिए तो आप देख सकते कितना लंबा घास है इसमें, और आ गया प्रैक्टिस हो जाए क्रिकेट वगैरह की। और हाँ, यही कुछ इतना बड़ा ग्राउंड, ठीक है, आप देख सकते कितना बड़ा है। थोड़ा सा आगे चल के और कुछ दिखाता हूँ, फिर एंड करते हैं। एक चीज तो बता रहा हूँ, कॉलेज में आपको हरियाली जो है ना मस्त लेवल की दिखेगी, हरियाली हरियाली, जो कि मुझे खुद ही पसंद है। और सीधे सामने आपको जिम सेंटर देखने को मिलेगा, जिसमें थोड़ा सा पुराना सामान है, पर जिम सेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पुराना, मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक ठाक एक्सरसाइज होती है आपको, अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो उसमें आपको सामान वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा सामने आ जाओ।
वो तो अभी बंद है, उससे चाबी लेनी पड़ेगी, पर वीडियो अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, उसके लिए कभी अलग सा वीडियो बनाएंगे। उसका रास्ता वहाँ से जाता है, ठीक है ना। और ये और एक अलग ब्रांच की बिल्डिंग है, यहाँ से जाती है। और यहाँ से भी एक मस्त सी पार्क है। और ये जो प्यारे प्यारे पेड़ हैं, देखो कितने मस्त लग रहे हैं, एकदम जकास। यहाँ से भी आपको एक पार्क देखने को मिलेगी मस्त सी, दिखा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आपको प्यारी सी पार्क देखने को मिलेगी, और राइट साइड में भी आपको मस्त सी प्यारी सी पार्क देखने को मिलेगी, जिसमें थोड़ा सा घास बढ़ गया है, तो कुछ दिनों में इसको भी काटेंगे, पर मज़ा आता है बैठने में। देखो कितना मस्त लग रहा है वो वाला, ये देखो यहाँ से। ये दो पार्क्स तो आपने देख लिए होंगे, यहाँ पर मैंने काफ़ी रील्स वगैरह शूट की थी जो कि मैंने डिलीट कर दिया। तो सामने आपको एक मस्त सी बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि पता नहीं MCA की, शायद पता नहीं कौन सी ब्रांच की है, वो तो मुझे पता नहीं है, पर इसी में आपको जिम सेंटर देखने को मिलेगा, जिसमें आप मस्त से एक्सरसाइज कर सकते हैं। सॉरी गलती हो गई। खैर आप ही देख सकते हो यहाँ से कितना प्यारा व्यू है, मस्त से एकदम, पता नहीं लग रहा है किसी पार्क में बैठे हैं। अगर इधर दो चार दुकानें होंगे, होटल वगैरह होंगे, ये तो एक घूमने की जगह बन जाएगी मेरे हिसाब से। लंबा लंबा घास आया है तो काट देंगे जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा। अभी हल्की हल्की बारिश पड़ रही है बीच बीच में, जिसकी वजह से फिर से उग रहा है, तो इसीलिए शायद कटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अदरवाइज यहाँ पर मेंटेनेंस जो है इस कॉलेज की, वो एकदम 100% देते हैं ये। तो ये आपको और एक बिल्डिंग देखने को मिलेगी, ये भी पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है मुझे, तो ये कमेंट्स में बताना मत कि मुझे तो पता नहीं है कौन सी बिल्डिंग है, पर है बिल्डिंग, इसमें भी पढ़ाई होती है। वो सामने आपको ये रास्ता देखने को मिलेगा, प्यारा सा रास्ता। 9 बजे से इधर भीड़ रहती है, 9 बजे से लेके 10-11 बजे तक इधर हॉस्टल के बंदे होते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइटें खुल जाती है रात को, एकदम मस्त सा मतलब माहौल होता है इधर, प्यारा प्यारा व्यू है, ठीक है। हवाई भी मस्त चलती है, अभी भी चल रही है मस्त मस्त हवाई, और रात को भी चलती है, तो इधर घूम लेते हैं रात को, मतलब कुर्तों के बंदे, ठीक है। तो बाहर के तो आ नहीं सकते, तो हॉस्टल के घूम सकते हैं, और यहाँ पर भी हम कभी कभी बैठते हैं मेरे दोस्त वगैरह, तो इधर मस्त सा व्यू आता है, रात को अलग ही वाइब आती है इधर बैठने में। तो खैर ये था कुछ, और जो रास्ता ये कंटिन्यू होता है सीधे गेट के सामने, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वीडियो, ये सामने जाके फिर से उधर स्टार्ट से होता है, वहाँ से दिखाएंगे थोड़ा सा। आ जाओ डायरेक्ट ले चलते हैं वहाँ पर, यहाँ पर। तो हाँ जी, आ गए हम डायरेक्ट वहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सामने चल के आपको ये वाली पार्क तो दिखाना जरूरी है। तो ये है एक मस्त सी पार्क, 15 अगस्त मनाया जाता है यहाँ पर, तो ये है कुछ वहाँ का सीन। और ये है प्यारी सी पार्क, जहाँ पर शाम को आते हैं बैठते हैं इधर, एंजॉय करते हैं, अलग सी वाइब आती है इधर। और यह सामने कॉलेज का व्यू, तो ये हो गया कवर, और वहाँ से आपको गेट देखने को मिलेगा कॉलेज का मेन गेट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहीं से होता है वीडियो का एंड। तो हाँ जी, ये था कुछ आज का वीडियो। तो वीडियो ज़रा से पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं जल्द से एक मस्त प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।